यार मीर तुमने मुझे जगाया नहीं यार। क्यों क्या हुआ यार, इतना लेट हुआ है शो के लिए और तुम लोगों ने मुझे जगाया नहीं यार। मुझे जगा देते यार शो के लिए। गीले बालों के साथ ही जा रहा हूँ शो पे, आज जुम्मा नमाज पढ़ने गया था फिर वापस आके मैं वापस सो गया, मुझे थोड़ा सा लेट हुआ है, अब दुआ करो टाइम पे पहुँच जाऊँ अफ्तारी से पहले। कहाँ जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ अफ्तारी करने। अरे वाह भाई, इनके लिए लोग अफ्तारी की दावत करते हैं। दानियाल के घर। अच्छा, दानियाल के घर जाता तो हम भी आते साथ। क्यों मुंह लटका बैठे हो तुम, रोजा लगाए तुम्हें? यार मुझे करीब नहीं मिल रहा अफ्तारी पे जाने। तो तुम्हें पहले निकलना चाहिए था यार। अगर कहीं इसको 5 बजे पहुंचना होता है तो ये घर से 5:30 बजे निकलता है। कोयटा में भी इसके घर इसको पिक करने जाते हैं, इसको मैं पहुंचने से 1 घंटा पहले कॉल करता हूँ कि बाहर आऊँ मैं, बाहर करूँ। अस्सलाम वालेकुम। यार इधर तो खुशबू है, खाने की खुशबू है, खाने की खुशबू है भाई। इस टाइम ये खुशबू डायरेक्ट दिमाग में जाती है। अस्सलाम वालेकुम माही, आपकी कॉल आ रही थी अभी। रोजा टूट गया तुम्हारा? क्यों? लिपस्टिक तुमने खाई है अभी? मैंने कोई टाइम लगा रही थी यार, लिपस्टिक से रोजा टूट जाता है। खाने के बाद अब नमाज का टाइम है, आप लोगों को मैं मौलाना साहब की किरत सुनाऊंगा आज। مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا। हाँ भाई, डॉक्टर कैसे हैं? डॉक्टर साहब बिल्कुल सही हैं। आपके पास हर चीज का इलाज होता है? ये स्टिकर में लगाया तो ये देख खराब हो गया। इसका इलाज मैं नीचे जाके हल करूंगा, टेंशन क्यों लेते हो जब डॉक्टर साहब तुम्हारी टीम में है। शायद मेरी जान कैसा है यार, बड़े अरसे बाद यार तुम लोगों से मुलाकात हो रही है। हमारी मुलाकात। अरे ये आ गया, आप कौन भाई? अगर आप लोग को कोई इन्विटेशन कार्ड दूं फिर आप लोग आएंगे क्या? चलो भाई शो शुरू होने वाला है। फयाज दवा मैं लाया हूँ, इलाज कर। मैंने नीचे नंबर मेंशन किया है, जिसको कोई मसला हो इसको कॉल करें। कॉकरोच मारने की दवा भी है इसके पास। ये लो, बिफोर आफ्टर दिखा देना, ठीक है? ये सब डॉक्टर का कमाल है। ये कमजोर क्यों हो रहा है? अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और ऐसी ऐसी गालियाँ लिखनी है आपने इसके लिए कमेंट में? नहीं नहीं यार, भाई है मेरा, भाई है, इधर आ, इधर आ। हमारा शो शुरू हो गया लेकिन मैं शो की कोई सीन दिखाऊंगा नहीं, वो तो तुम लोग टीवी पे भी देखते हो, मैं ये दिखाऊंगा। असल माल तो इसके पास है। ये क्या सीन है? ये सब आपस में दोस्तियां बढ़ा रहे हैं, सहेलियां हैं, मैं इधर अकेले खड़ा हूँ। म्यूजिक। दुनिया में बंदा अकेला आता है, अकेला जाता है। मैं बहुत बेवफा हो। क्यों, क्या कह रहे हैं? यार मुझे अकेला छोड़ दिया तुम सारे टीम वालों ने। यार तुम्हें काम से कहीं से तो पता ही नहीं। तुम सबके काम है बस, एक हम ही बेकार है। दिल में मेरे बाप तेरे तस्वीरें कैसे हो, मैं क्यों हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं मर गया मन का कहां, मैं कहीं का ना रहा, क्या करूं ओ दिलरुबा, ये दिलरुबा। अबे ऐसा लग रहा है जैसे मेंढक को पिंजरे में बंद किया है। म्यूजिक। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। हाय 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 उमर, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ अभी जितना तू इग्नोर कर रहा है मुझे पता है कोई कॉल वॉल नहीं है। देख रहे हो मुझे कैमरा देख के? ये देखो पहुंच गया मेकअप रूम, अभी जल्दी चेंज करूं। ओ यार ये मैं जाते हुए मैंने घुमाया था, ये अभी तक घूम रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? तू आज क्यों शक्कर का मलंग लग रहा है?
बड़ी खुशी हुई, 6 नंबर की दिल्ली आया, गेम चेंजर नहीं भी जीते लेकिन उसके बिना ही तुमने इतना लंबा हराया उनको कि बस बस क्या बोलूं। नसीब की बात होती है, बाकी हम मेहनत पूरी करते हैं, इंशाल्लाह फाइनल भी जीतेंगे। यार घर पहुंच गए, माशाल्लाह तेरे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह से यार 2 लाख हो गए। अभी तू केक खाएगा या डिनर करेगा हमारे साथ? जो आपकी मोहब्बत। XPM थे जो वो बिस्किट और चाय खिलाते थे अपने, ताकि बजट बचे हमारा। बिल्कुल लोगो, और बजट अपने पे लगा ले। तो अभी मुझे सिर्फ हुक्म का चिकन खाएगा, सब्जी खाएगा, केक खाएगा, चाय, इन सब में से कुछ नहीं मिलेगा। जो तू हुक्म कर, आज तू हमारा मेहमान है। हिस्ट्री पता है ना तुझे थोड़ी बहुत? अलाउद्दीन खिलजी कब आए थे अफगानिस्तान से हिंदुस्तान? जानी सिर्फ ये नहीं पता, बाकी सब इसको पता है। चलो ठीक है, जुल्फिकार अली भुट्टो कब प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के? अबे सिर्फ ये नहीं पता, बाकी सब पता। कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था पाकिस्तान का? डेट बता, डेट। सिर्फ ये नहीं पता, बाकी सब पता। चलो इस्लामी पूछते हैं, हिस्ट्री, इस्लामी हिस्ट्री। इस्लामी पूछ, इस्लामी तो माहिर है। खाना खा रहा हूँ यार, इस्लामी में तो माहिर है ये। कुरान शरीफ कितने साल में मुकम्मल हुआ? ये तो आता होगा। सिर्फ ये नहीं पता, बाकी सब पता है इसको। तो कहाँ जा रहे हो यार? बस घर जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। नहीं यार, जा रहा है यार, अभी बैठो, अभी तक हमने देखा ही नहीं है तुम्हें। हाँ यार, साथ खाना खाया, वापस आए साथ गेम शो में सारे। ओके जानी, अल्लाह हाफिज। ओके जानी, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ख्याल रखना, ठीक है। मुझे लगता है तेरा कोई बहुत ही करीबी कोई बेस्ट फ्रेंड आया है, तू इसीलिए खुश है। अपने बेस्ट फ्रेंड के पास बैठना, बेस्ट ही नहीं रहा, मैंने ड्रामा कर लिया, वैसे एक सीन ऐसा ऊपर चला गया, लेवल ऊपर हो गया। ओए छोटे छोटे, तू निकल। मौला मौला मेरा यार मिला दे, मौला मौला दिलदार मिला दे। बिछड़े यार मिले भाई, हमारे पास हम टीवी के एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर मौजूद हैं। सर आपने बहुत इज्जत बख्शी हमारे पास आके बैठ के। नहीं यार, आपके हाँ, यार देखो मैं। बिलाल तू अभी बहुत कामयाब बंदा बन चुका है ना, अभी इसको कोई टिप्स दे। यार देखो कामयाबी का राज ये है कि आप खुद फेसबुक पे खुद झुकना। व्यूज आ रहे हैं आजकल मेरे व्लॉग्स पे माशाल्लाह से, करो शायद कोई देख ले। पुष्पा का पहले करो, पुष्पा राज। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, फायर। राज नाम सुन के फ्लाईओवर समझे क्या? फ्लावर बोला है मैंने। ऐसा ही किया ना इसने। शाहरुख खान का कुछ कर। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। कोई डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर देख रहे हैं, प्लीज यार माशाल्लाह से इतने टैलेंटेड लोग हमारे पास हैं, आप लोग प्लीज सपोर्ट करें भाई मेरे चैनल को यार, सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी अदील लेडी के नाम से, बाकी ये बोलेंगे आपको इस पे वो लाएंगे। मुझे छोड़ दो, मुझे अनसब्सक्राइब करके भाई को नहीं, 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 छोड़ दो नहीं, 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 नहीं। भाई मेरे व्लॉग्स नहीं देखना आप लोग, खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ भाई नहीं, मुझे इतना गहरा होना है कि लोग मेरी आंखों के इशारे से समझे कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज़ बिलाल। यार बालाजी बताओ एंगेजमेंट कब हो रही है तुम्हारी? यार अल्लाह जाने, और किसके साथ होनी है? और ये भी अल्लाह जाने। तुम्हारी एंगेजमेंट कब होनी है? ज्यादा से ज्यादा 2023 या 2024 तक। यार तब तक तुम बुड्ढे हो जाओगे। नहीं नहीं यार, 2023 में इंशाल्लाह कोशिश है। और किसके साथ? किसके साथ मतलब कुछ सोचा है या नहीं माइंड में कुछ है? ये सरप्राइज है सबके लिए, मतलब है माइंड में कोई सरप्राइज। तो गाइस इसके साथ आज का व्लॉग खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में।